नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस नील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप बार बार हमारे चैनल पे आते हैं और आके हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस पार्ट टू पार्टनरशिप। जी, आगे चलने से पहले मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको लगता है कि आपको हमारी वीडियो मिलने चाहिए बार बार, तो YouTube चैनल में जाकर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook में जाकर हमारे इस चैनल को, इस पेज को लाइक कर लीजिए। उससे हमारे वीडियोज अब तक आते रहेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके हर एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। पार्टनरशिप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया है पार्टनरशिप एक्ट में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक कार्य को करते हैं और वो किसी प्रॉफिट के लिए किया जाता है वो कार्य, तो उसे पार्टनरशिप कह दिया जाता है। इस तरह की बिजनेस प्रणाली में ये जो लोग होते हैं, पार्टनर होते हैं, इन्हें पार्टनर कहते हैं और इस बिजनेस प्रणाली को पार्टनरशिप कह दिया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप फर्म कह दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन रही पार्टनरशिप फर्म की। आइए दोस्तों, पार्टनरशिप के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में दो मिनिमम दो पार्टनर और मैक्सिमम 20 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते। यदि ये पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो बैंकिंग से रिलेटेड है तो 10 लोगों से अधिक पार्टनर उसमें नहीं हो सकते। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत ही होती है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। हम लोग अपने क्लाइंट्स को ये सजेशन देते हैं कि आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए और उसको आप कभी भी ओरली ना रखें। इससे क्या रहता है कि आगे भविष्य में जो डिस्प्यूट हो सकते हैं वो डिस्प्यूट नहीं होते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इसका रहता है, कोई कंपलसरी नहीं है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना। यदि इच्छा है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं है तो आप ना करवाएं, बिजनेस को वैसे ही चलाएं। इसको जो रहता है ना, यदि आप इसको रजिस्टर करवा लेंगे तो आपको कई तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने के लिए। पार्टनरशिप फर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रहती है। प्रॉफिट इंक्लूड करता है लॉसेस को भी, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर होगा और यदि लॉस होगा तो लॉस शेयर होगा। ये थी पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। आइए हम इसके फायदे जान लेते हैं। पार्टनरशिप के जो बेनिफिट्स हैं, उसका नंबर एक बेनिफिट है ये इजी टू फॉर्म रहती है, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं अधिक इसके अंदर, तो इसका जो प्रारंभ होता है बहुत ही जल्दी से हो जाता है। यदि आप आज सोचें आपके पार्टनर आपके पास हैं तो आप कल से अपना पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में जो रिसोर्सेज रहते हैं वो बढ़ जाते हैं मुकाबले प्रोप्रेटरशिप फर्म के, क्योंकि प्रोप्रेटरशिप में एक ही पर्सन होता है, जितना वो पैसा लगा सकता है वो उतना ही लगाता है। यहाँ दो से लेकर 20 लोगों तक की पार्टनरशिप हो सकती है और सभी लोग इसमें कैपिटल लगा सकते हैं, सभी लोग इसमें अपने रिसोर्सेज लेके आ सकते हैं, सभी लोग बिजनेस के लिए काम कर सकते हैं। दोस्तों, बेटर मैनेजमेंट हो सकती है क्योंकि अधिक लोग हैं, अधिक हाथ हो जाते हैं, अधिक इन हैंड्स एक मैन पावर का सपोर्ट मिल जाता है, तो इसकी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छी चल सकती है। दोस्तों, यहां तक तो हमने इसके बेनिफिट डिस्कस कर लिए। आइए भी हमें समझ लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म को बनाना है तो किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। नंबर एक, सभी पार्टनर्स जो भी बनने वाले हैं उनके पास उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से कोई दो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें एक एड्रेस प्रूफ रहता है और एक इनका आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, तो इनका होना आवश्यक होता है। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए कम से कम इसका एक पैन तो लेना होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिससे इसकी आइडेंटिटी आती है कि हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है। तो इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा और उसके बाद ही आप इसको शुरू कर सकते हैं एज अ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम लोग तीन रजिस्ट्रेशन हमें क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। नंबर एक, MSME में रजिस्टर होना। नंबर दो, GST का रजिस्ट्रेशन ले लेना। नंबर तीन, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर होना। देखिए, ये तो वो रजिस्ट्रेशन हैं जिनको लेने से काम जो है स्मूथ चल सकता है किसी भी बिजनेस का। इसके अलावा जो स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो लेने ही होते हैं, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, जैसे कि
ड्रग लाइसेंस, अगर आप किसी ड्रग्स में काम कर रहे हैं, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो ड्रग लाइसेंस सबको चाहिए होता है। केमिकल्स में काम कर रहे हैं तो केमिकल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लाइसेंसेज होते हैं जो आपको एज अ बिजनेस स्पेसिफिक लेने पड़ते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ज़रूरत नहीं है। ये कन्फर्म है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन की बात हमने कर ली है, अब हम चलिए इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला, ये इनस्टेबल रहता है। जो पार्टनरशिप जो होती है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाती है, ज़्यादातर वो बीच में ही ब्रेक हो जाती है। क्यों? या तो कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, नंबर दो कोई इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, नंबर तीन कोई दिवालिया घोषित हो जाता है। देखिए इन कुछ वजहों से पार्टनरशिप छोटी चलती है, इसलिए ये इनस्टेबल रहती है। इसकी जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड रहती है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को एक ही माना जाता है लीगल दृष्टि से। इस वजह से पार्टनर्स में कभी कभी तो अपने पर्सनल स्टेट से भी पैसा देकर उनको अपने लाइबिलिटीज को चुकता करना पड़ता है। एक पार्टनर की गलती से सभी पार्टनर्स को भी हर्जाना देना पड़ता है। देखिए इसमें लिमिटेड कैपिटल है। अगर हम कंपेयर करें अदर बिजनेस मोड्स से, जिसमें हम प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी और की हम बात करेंगे, तो उनके मुकाबले इसमें फिर भी कैपिटल लिमिटेड ही रहती है। पार्टनरशिप फर्म्स को भी बिजनेस को जो बैंक जो लोन देते हैं वो भी एक लिमिट तक ही होता है, क्योंकि एक्सपेंशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। जो पार्टनर्स हैं जो अपना सेल्फ पैसा लगाते हैं, प्रोप्रेटर से तो अधिक ही है, लेकिन सबका मिला के फिर भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं होता है। अगर बाहर से फंडिंग लेके आनी है तो ये जो प्रणाली है बिजनेस की बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा लीगल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही पैसा लगाना पसंद करते हैं। देखिए इसमें क्या रहता है कि अपनी अगर कोई एक व्यक्ति ना पार्टनर बन गया है किसी में, तो अपने वो पार्टनरशिप को ना बड़े इजीली सेल आउट नहीं कर सकता है, किसी और को नहीं दे सकता। अगर इसकी इच्छा नहीं है अब इसमें काम करने की, तो वह ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी और को बोले कि भाई आप मेरा शेयर आप ले लो और आप कर लो। उसे पहले ऑप्शन देना पड़ता है बाकी पार्टनर्स को, उनका भी उनको रजामंदी लेनी पड़ती है, तो ही वो किसी और को बेच सकता है। नहीं तो वो पार्टनरशिप में नॉर्मली डीड में लिख लिया जाता है कि जो भी उसका शेयर रहेगा वो उसकी फैमिली को मिलेगा उसके मरने के बाद, या जो बाकी बचे हुए पार्टनर हैं वही पार्टनर परचेज कर सकते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति परचेज नहीं कर सकता। दोस्तों यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया इसके डिसएडवांटेजेस का। बार बार हमारे चैनल में आप आते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप हमारा इंतजार करें, बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।